प्यार बहन भाई कैसे हैं। आज मैंने कहा मैं आपके साथ चाय की रेसिपी शेयर करूं। मसाले वाली चाय बना रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद है। बहुत सिंपल सी है ये। सबसे पहले मैंने 1 कप दूध लिया है। इसमें मैंने तकरीबन ज़रा सा 1 या 2 घूंट पानी के मैंने इसमें डाल दिए। दूध गर्म हो रहा है। अब सबसे पहले ये एक छोटा सा तकरीबन दालचीनी का टुकड़ा लिया जो इसमें ऐड करूंगी। ये 3 अदद छोटी इलायची है और ये एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का था, इसे मैंने हल्का सा कद्दूकस कर लिया, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। और ये 1/2 टीस्पून चीनी है और 1 टीस्पून चाय की पत्ती है, ये इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। जैसे ही ये पक जाती है और इसका टेस्ट तमाम मसालों का चाय के अंदर आ जाता है, फिर आपके सामने मैं छानती, फिर आप देखिएगा ये चाय कैसी बनी है। ये देखिए आप चाय की रंगत देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी सी एक रंगत आ रही है। सिर्फ 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। जैसे ये तैयार हो जाती है और ये फिर आपके सामने मैं छान के कप में डालती हूँ, आप देखिएगा ये कैसी तैयार हुई है। चाय मेरी तैयार हो गई है, बहुत अच्छी तरह पक गई। अब इसे छान के मैं कप में आपके सामने निकाल देती हूँ। ये मज़ेदार सी स्पाइसी चाय मेरी तैयार हो गई है। कुछ लोग इसमें ये लौंग वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे लौंग का फ्लेवर इतना चाय में अच्छा नहीं लगता। सिनेमन वगैरह, छोटी इलायची, इसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसी तरीके से बनाएं, मुझे उम्मीद है ये चाय आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली नई रेसिपी लेके जल्द दोबारा हाजिर होंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा।